जंगल के पास ही एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। वो पड़ोसी थे जो एक दूसरे के बाजू में रहते थे। दीना पहला लकड़हारा बहुत ही चुस्त और ईमानदार लकड़हारा था। सोमा जो दूसरा लकड़हारा था वो बहुत ही आलसी और बुरा लकड़हारा था। वो अपनी रोजी रोटी जंगल में लकड़ियां काटकर कमाते थे। हमेशा की तरह एक दिन सुबह दीना अपने काम पर निकला। ये कितनी सुबह सुबह काम करने जा रहा है, बेकार है, मैं तो थोड़ी देर बाद जाऊंगा। सोमा की जिंदगी में परेशानियां थी क्योंकि वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं था। दीना जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढने लगा। यहाँ मुझे अच्छा लकड़ा नहीं मिल रहा, मुझे नदी के किनारे जाना चाहिए, वहाँ शायद अच्छा लकड़ा मिले। तो दीना नदी के किनारे चला गया। वहाँ उसे एक बड़ा पेड़ मिला। दीना पेड़ पर चढ़ा और उसे काटने लगा। जब वो काट रहा था कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसली और नदी में जा गिरी। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पास पैसा कमाने का बस यही एक साधन था, इसके बगैर मैं क्या करूंगा, हे भगवान कृपया मेरी मदद करो। वो रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसके सामने प्रकट हुए और उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? माँ, मैंने अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी, मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं तुम्हें लौटाऊंगी। भगवान ने नदी से एक कुल्हाड़ी निकाली, वो ऐसे चमक रही थी मानो वो सोने की बनी है। दीना इतनी अद्भुत चमकती हुई कुल्हाड़ी देखकर बिल्कुल चौंक गया। पर दीना ने बिना हिचकिचाए कहा, नहीं माते, ये मेरी नहीं है। भगवान ने दोबारा एक और कुल्हाड़ी निकाली, वो चांदी की बनी हुई थी। बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं। भगवान ने एक लोखंड की कुल्हाड़ी निकाली, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? दीना के चेहरे पर खुशी थी। हाँ माते, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुई। तुम तीनों कुल्हाड़ियाँ रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, सब तुम्हारी हैं। दीना खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियों के साथ घर गया। जब वो सोमा के घर के पास से गुजरा, सोमा ने कुल्हाड़ियाँ देखी और चौंक गया। सुबह वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर गया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो एक सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटा। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे जाकर सब पता लगाता हूँ। सोमा बिना दीना को पता चले उसके पीछे चलने लगा। दीना घर पहुँचा और उसने अपनी बीवी को बुलाया। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम, बाहर आओ जल्दी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आ रही हूँ, क्या बात है? जरा आकर खुद ही देख लो। कुछ खास है क्या? वो वहाँ आई और उसने कुल्हाड़ियाँ देखी और वो चौंक गई। कैसे, कैसे तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिली? दीना ने समझाया कि कैसे भगवान प्रकट हुए और कैसे उसे ये कुल्हाड़ियाँ दी। मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। हम ये सोने की कुल्हाड़ी बाजार में बेच देंगे। सोमा जो ये बाहर से सुन रहा था, उसने फैसला किया कि कल वो दीना का पीछा करेगा। अगले दिन दीना ने सोने की कुल्हाड़ी बेच दी और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। दीना के अमीर होने के बावजूद वो हमेशा की तरह काम पर जाने लगा। दीना, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हमेशा की तरह काम पर। ठीक है, मिलते हैं। ये तो सच में पागल है, अमीर बनने के बाद जिंदगी के मजे लेने के बजाय ये अभी भी काम कर रहा है। ओ, इसके पीछे जाकर पता लगाता हूँ कि लकड़ियाँ काटता किधर है। सोमा दीना का जंगल में पीछा करता है। दीना नदी के किनारे जाकर अपना काम शुरू करता है।
ये वो नदी है जिसमें उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी। इसके जाने तक मैं यही इंतजार करता हूँ। दीना के जाने तक सोमा रुका रहा। सोमा जल्दी से नदी के पास गया और जानबूझकर उसने अपनी कुल्हाड़ी पानी में डाली। हे भगवान, मुझे अपनी कुल्हाड़ी वापस पाने में मदद करो। भगवान प्रकट हुए। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, मेरी मदद करो। ये एक कपटी इंसान है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। भगवान ने पहले उसकी लोखंड की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? दीना तो अपनी पत्नी से ये कह रहा था कि भगवान ने उसे पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, लेकिन ये तो मुझे लोहे की कुल्हाड़ी दिखा रही है। कोई बात नहीं, मैं इनसे झूठ बोल देता हूँ। नहीं, भगवान ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दिखाई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। भगवान ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान बहुत नाराज हुए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे झूठ बोलो? झूठ बोलने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहकर भगवान कुल्हाड़ी लेकर गायब हो गए। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी! भगवान, मैंने झूठ कहा, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दे दीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? उसका चीखना चिल्लाना सब बेकार था। सोमा बिना कुल्हाड़ी के घर लौट गया। बस वही उसका सहारा था, लेकिन उसने अपना सबक सीख लिया था।